चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? तो हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ है, x इज इक्वल टू 9 - √5। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है और उसमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। इसमें प्रोसीजर हर बार करते हैं वैसे ही हम करेंगे। सिंपल, हमें ध्यान क्या रखना है, पहले तो x लिख दिया, x है 9 - 4 × √5। अब 1/x चाहिए तो हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने 9 - √5 लिख दिया। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा तो ऑपोजिट साइन के साथ हम रैशनलाइज करेंगे, तो 9 + 4√5 एंड 9 + 4√5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 4√5 हमने लिखा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, आइडेंटिटी कौन सी है वो एक बार याद कर लो, a - b a + b। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है, a² - b², तो 9² और यहाँ पे 4√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ के हम लिखेंगे 9 + 4√5, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर होगा 4 × 4, वो हो जाएगा 16 एंड √5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 5। और तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा बच्चा। तो ये हम फाइनल लिख सकते हैं, ये 81 - 80 हो जाएगा 1। तो फाइनल जो हमारा होगा 9 + 4√5। तो ये हो गया। अब बच्चा दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है यहाँ पे। सिंपल, हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1/x, स्क्वायर बात की बात है, तो यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे 9 - 4√5। यहाँ पे प्लस की साइन, 1/x की जगह बच्चा क्या लिख देंगे, 9 + 4√5। क्लियर? चलो तो अब ध्यान से देखो, 4√5 कट हो जाएगा तो 9 + 9 18 आ जाएगा। अब बच्चा हमारा स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इतना होने के बाद बच्चा हमें जो मेन पॉइंट चाहिए वो लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 1/x। आप बोलोगे सर मुझे तो होल स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, तो हमने स्क्वायर इसका किया और इसके साइड दूसरी साइड 18 का भी स्क्वायर करना है, जो आंसर आया ना उसका भी स्क्वायर। अब बच्चा सिंपल, आपको एक आइडेंटिटी क्लियर ही है, a² + 2ab + b², जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², यहाँ पे 1/x², यहाँ पे लिखेंगे 2, ये पहले लिखेंगे x × x और बाद में लिखेंगे × 1/x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो कर लेते 18 × 18, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चा, तो यहाँ पे हमारा सिंपल कितना था, यहाँ पे 64 में मतलब 8 में 4 ऐड करोगे तो 14 आएगा, तो ये 4, ये 12 और ये 324। तो बच्चे यहाँ पे हमने लिखा 324, सॉल्व करेंगे तो ये xx कट हो जाएगा, तो x² 1/x² इज इक्वल टू 324 - 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² / 1/x², तो यहाँ पे 322 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कंपेरेटिवली बच्चा आप समझो तो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, मैं साइड में हट जाता हूँ, जिससे आपका सम क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है।